और इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक की खुशहाली के लिए प्रेरणा का भाव भरता रहे, इसकी शुभकामनाएं ही देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा यह देश दुनिया के प्राचीनतम राष्ट्रों में से एक है। हजारों हजार वर्षों की एक समृद्ध परंपरा के हम सब वारिस हैं। सब कुछ होने के बावजूद यह देश क्यों गुलाम हुआ, आज का अवसर हम सबको इस बात पर चिंतन करने का एक अवसर प्रदान करता है। एक समृद्ध संस्कृति, एक वैभवशाली अतीत, ऊर्जावान जवान जिस राष्ट्र के पास रहे हों, उसे चंद मुट्ठी भर विदेशी आक्रांताओं के संजाल में फंसने और अपनी आजादी को गुलामी की बेड़ियों से जकड़ते हुए देखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके पीछे कोई कारण तो अवश्य रहा होगा। वह कारण आज के उस अवसर पर हम सबको जहां चिंतन का अवसर प्रदान करता है, वहीं साथ ही साथ इस बात के संकल्प लेने के लिए भी प्रेरित करता है कि जिन कारणों से इस देश को गुलाम होना पड़ा था, हम उस प्रकार के किसी भी विकार को अब इस स्वाधीन भारत के अंदर पनपने नहीं देंगे। इसीलिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस देश को संकल्प से सिद्धि का एक मंत्र दिया है। संकल्प से सिद्धि का यह मंत्र एक ऐसे भारत के निर्माण का, एक ऐसे न्यू इंडिया की संकल्पना को साकार करने का, जहां किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, जहां कहीं पर कोई अराजकता न हो, जहां कहीं भ्रष्टाचार न हो, जहां पर जाति, मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र या भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार की भेदभाव के लिए कोई स्थान न हो और स्वाधीनता दिवस का यह अवसर हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। जब भी इस देश ने सामूहिक रूप से कोई संकल्प लिया और पूरी देश की एक ताकत एक बनकर के आगे बढ़ी है, हमने बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना बखूबी किया है, इस राष्ट्र को एक नए स्वर्णिम दिवस की ओर अग्रसर किया है। इस देश ने गुलामी को स्वतः स्वीकार कभी नहीं किया। वो अलग विषय है कि अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग क्षेत्रों में इसके खिलाफ संघर्ष होते रहे, लेकिन 1857 में पहली बार जब इस देश ने एकजुट होकर के
गुलामी के खिलाफ, गुलामी की इन बेड़ियों को तोड़ने के खिलाफ अपना सामूहिक संकल्प लिया, उसके सुखद परिणाम सामने आते हुए दिखाई दिए। सदियों से गुलाम देश मात्र 90 वर्षों के अंदर स्वाधीन हुआ। स्वाधीनता का अर्थ केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, स्वाधीनता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है, और स्वाधीनता का अर्थ व्यक्तिगत जीवन में किन्हीं परिस्थितियों के कारण होने वाली स्वच्छंदता भी नहीं हो सकती है। आज का यह अवसर हम सबको स्वाधीनता के उस मूल भाव को समझने का अवसर भी प्रदान करता है, जिसमें इस देश के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि, उसके जीवन की खुशहाली भी एक मायने रखती है। क्या हम देश के 72वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर इस संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी स्वाधीनता का वही मायने होना चाहिए जिस स्वाधीनता को हम अपने जीवन में भी एक हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाने के लिए जो स्वतंत्रता हमें है, इसी प्रकार की स्वतंत्रता उसके जीवन में भी दिखाई देनी। इस देश ने विगत 71 वर्षों के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश का संदेश देश के अन्य राज्यों के लिए अत्यंत प्रेरक हो सकता है, और इस दृश्य में आज अपने सभी नागरिकों का आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश अपनी इस भूमिका को एक बार पुनः पहचाने। 1857 के देश के प्रथम स्वातंत्र समर की अगुवाई उत्तर प्रदेश ने की थी। उत्तर प्रदेश देश के स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रहा, और जब भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के आज के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने और उसे साकार करने की बात आती है कि अगुवाई उत्तर प्रदेश ने की थी। उत्तर प्रदेश देश के स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रहा, और जब भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के आज के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने और उसे साकार करने की बात आती है, तो यह बगैर उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाए और उत्तर प्रदेश को समृद्ध किए बगैर उस लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत दुर्भर होगा। इसलिए इस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए अहर्निश प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे बुलंदर के को इस अभियान का हिस्सा बन सके, से ऊपर उठ करके अपने व्यक्तिगत संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके इसे एक नई दिशा देने के लिए अहर्निश प्रयास करना होगा। इस प्रयास में हम सब संकल्पित हो सकें, हम सब मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बन सकें, इस दिशा में एक नई दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है विगत कुछ महीनों के दौरान प्रदेश के अंदर कुछ नए कार्य प्रारंभ हुए हैं। उत्तर प्रदेश, इस प्रदेश ने इस देश के गांवों में निवास करने वाले उन नागरिकों के लिए
जिनके सिर को ढकने के लिए छत नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त किया। 8,85,000 ऐसे परिवार एक वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे परिवारों के लिए 4,32,000 आवास आवंटित करने में देश में अग्रणी भूमिका में आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन, जो वास्तव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वस्थ भारत मिशन का एक हिस्सा है, इस स्वच्छ भारत मिशन के अंदर उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक वर्ष के दौरान 1,03,00,000 से अधिक व्यक्तिगत इज्जत घर निर्माण करने में पुनः अग्रणी भूमिका में रहा है और देश के अंदर नंबर एक स्थान प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश ने एक बार पुनः अपने आप को साबित किया है। खाद्यान्न उत्पादन में लगातार आप सब जानते हैं कि भारत की खुशहाली का राज इस देश के किसानों की समृद्धि और उनके जीवन की खुशहाली से होकर के जाता है। खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक बार पुनः अग्रणी भूमिका में सामने आया है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में, अन्य खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण बढ़त ली है। प्रदेश ने एक बार देश के अंदर निवेश के लिए सबसे अच्छा स्थल के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। फरवरी 2018 में प्रदेश के अंदर हुआ इन्वेस्टर समिट, प्रदेश के अंदर सुरक्षा और प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र के आमूलचूल परिवर्तन और एक विकासोन्मुखी सोच को प्रदर्शित करने का एक बेहतर माध्यम रहा है, जिसमें लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने 5 महीने के अंदर ही 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतार करके देश के अंदर समृद्धि और खुशहाली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से इस बात को सबके सामने प्रस्तुत किया है। भारतीय परंपरा और संस्कृति की बात के बगैर भारत की स्वाधीनता को छूने बनाए रखने का सपना अधूरा रह जाता है और इस बारे में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। कोई भी देश अपनी स्वाधीनता को बहुत अधिक दिनों तक बगैर अपनी संस्कृति को छूने बनाए रखते हुए नहीं रख सकता है। भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, यह दुनिया के अंदर एक ऐसा राष्ट्र है जिसने दुनिया की मानवता को जीने की प्रेरणा प्रदान की है और इसलिए हमने भारत को जब एक राष्ट्र के रूप में प्राचीन काल से माना है तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र केवल एक जमीन का टुकड़ा न होकर के राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, उस राष्ट्र के अपने महापुरुष होते हैं जिनसे प्रेरणा प्राप्त करके वर्तमान पीढ़ी अपने वर्तमान और नए भविष्य की परिकल्पना को साकार करती है। उस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय संस्कृति के मूल्यों, उनके आदर्शों को एक बार पुनर्स्थापित करने की जिस नई व्यवस्था को हमने उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया, वह उत्तर प्रदेश के अंदर एक नए भोर के उदय के रूप में हम सबके सामने है। चाहे वह अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, चाहे वह ब्रज क्षेत्र में रंगोत्सव का कार्यक्रम, चाहे वह उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो,
या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर देश की स्वाधीनता के उस समर में योगदान देने वाले महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव, या फिर इस देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले हमारे बहादुर जवानों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का हो, या फिर प्रदेश की सुरक्षा में योगदान देने वाले बहादुर पुलिस और हमारे विभिन्न उन मिलिट्री पैरामिलिट्री या फिर पीएसी के जवानों के योगदान का हो, उन सब के प्रति सर्वोच्च भाव व्यक्त करते हुए हम लोगों ने अपने प्रदेश की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया। हम लोगों ने प्रदेश की वर्तमान व्यवस्था को केवल सीमित क्षेत्रों तक कैद करके नहीं रखा है। विकास होगा सबका होगा, सबका साथ और सबके विकास की अवधारणा को वास्तविक रूप से जमीन पर उतारने का प्रयास किया है। 1,00,000 किलोमीटर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के साथ ही उनके नवीनीकरण की कार्रवाई हो, 1 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर राजमार्गों के निर्माण में 2500 किलोमीटर से अधिक के राजमार्ग के लिए प्रदेश की सड़कों का चयन हो, राजमार्ग के क्षेत्र में आज देश के अंदर लगभग 10,500 किलोमीटर के मार्ग उत्तर प्रदेश के अंदर राजमार्ग के रूप में बन रहे हैं या उनका निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। ग्रामीण सड़कों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 4,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का निर्माण का हो, या फिर अपने उन अमर शहीदों वीर सेनानियों की स्मृति में प्रदेश के गांव गांव में बनने वाले गौरव पथ के निर्माण का हो, या फिर प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के नाम पर उनके गांवों को गौरव पथ के साथ जोड़ने की प्रतिभा और गौरवशाली पथ के रूप में आगे बढ़ाने का हो। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर क्षेत्र में नया कुछ करने का प्रयास किया है, और प्रदेश के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट का हो या बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर उन्हें शासन या फिर पब्लिक सेक्टर हो या निजी क्षेत्र में उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने या नौकरी प्रदान करने का हो, इन सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कुछ नयापन करने का प्रयास किया है। बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान उत्तर प्रदेश में हर एक विभाग ने बेहतर करने का प्रयास किया है, उसमें और भी बेहतर करने की गुंजाइश बनी हुई है, क्योंकि देश की समृद्धि का मार्ग अगर उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है तो उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र को, व्यवस्था से जुड़े हुए हर वर्ग को, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को इस व्यवस्था का हिस्सा बनना पड़ेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है, वहीं अभी भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां बनी हुई हैं। गांधी जी की जयंती का कार्यक्रम, 150वीं जयंती का कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2018 से 2 अक्टूबर 2020 तक पूरे देश के अंदर 2 वर्षों के इस बृहत कार्यक्रम को पूरे देश ने पूरी अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से मनाने का निश्चय किया है। उत्तर प्रदेश भी इस भूमिका के साथ इस अवसर पर सामने आएगा। हम लोगों ने भी इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों की रचना की है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि गांधी जी को स्वच्छता प्रिय थी, 2 अक्टूबर 2018 को पूरे उत्तर प्रदेश को बेसलाइन सर्वे के अनुसार हम लोग खुले में शौच से मुक्त करें, उत्तर प्रदेश अपने आप को ODF घोषित करने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर है, लेकिन इसके साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की और प्रशासनिक तंत्र के अलावा प्रत्येक विभाग की भी भूमिका होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2022 तक प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हर नागरिक, उस नागरिक जिसके पास सिर को ढकने के लिए छत नहीं, हम उसे एक छत मुहैया कराएं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ऐसे सभी परिवारों के लिए एक एक आवास का निर्माण करने का मामला हो, या फिर प्रदेश के युवाओं को रोजगार और उसने नौकरी उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट या फिर रोजगार से संबंधित हमारी निवेश से संबंधित जितनी भी हम लोगों ने नीतियां बनाई हैं उसके अंतर्गत उन्हें समायोजन करने का, महिलाओं के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर इस समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का, इस हर क्षेत्र में बेहतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और ये बेहतर प्रयास एक सामूहिक टीम वर्क के माध्यम से होगा, हम सबकी सामूहिक प्रयास से ही इसके परिणाम सामने आ पाएंगे। और इस दिशा में किए जाने वाले इस पूरे प्रयास के लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं, हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया के संकल्प को साकार करने के लिए एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जहां पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न हो, जहां गंदगी के लिए, जहां अराजकता के लिए, जहां अव्यवस्था के लिए, जहां उदंडता के लिए, जहां भ्रष्टाचार के लिए किसी भी प्रकार का कोई स्थान न हो, जहां आतंकवाद के लिए, जहां नक्सलवाद के लिए, जहां अपराध के लिए किसी भी प्रकार का कोई स्थान न हो, एक ऐसे न्यू इंडिया के संकल्प को चरितार्थ करने का एक अवसर देश का स्वाधीनता दिवस हम सबको प्रदान कर रहा है। हम सब देश के स्वाधीनता दिवस के संकल्प के साथ अपने आप को जोड़े। इस अवसर पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश के अंदर उन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की एक अभिनव योजना, जिसे हम नमो केयर के रूप में, आयुष्मान भारत के रूप में जिसे हम मानते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, इसे लागू करने का भी एक अवसर उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र के साथ साथ प्रत्येक तबके के नागरिकों के सामने होगा। मैं आह्वान करूंगा, प्रदेश के अंदर पहले चरण में हमें 6 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा की योजना से आच्छादित करना है। हम लोग इस दिशा में एक नया सर्वे भी कर रहे हैं, जो परिवार छूटे होंगे उन परिवारों को भी हम आयुष्मान भारत के अंदर प्रदेश अपने संसाधनों से 5 लाख की स्वास्थ्य की बीमा की योजना से कवर करेगा। लेकिन मैं आह्वान करूंगा कि बेसलाइन सर्वे के अनुसार बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों को इस स्वास्थ्य बीमा की योजना से आच्छादित, भले वे नाम आ चुके हों लेकिन उनके पास इतनी व्यवस्था है कि अपनी स्वास्थ्य की व्यवस्था अपने संसाधनों से वे कर सकते हैं। और मैं इस अवसर पर प्रदेश के उन सभी नागरिकों का आह्वान करूंगा कि जो वास्तव में इसके हकदार नहीं, वे स्वेच्छा से इसका परित्याग करें, और जो सचमुच इसका हकदार है, किन्हीं कारणों से उनका नाम सूची में नहीं आ पाया है, ऐसे लोगों का नाम सूची में शामिल कराने में अपना योगदान दें। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का कोई भी गरीब, कोई भी वंचित, कोई भी ऐसा नागरिक जो वास्तव में इसका हकदार होना चाहिए था और किन्हीं कारणों से इसका नाम सूची में शामिल होने से रुक गया था, हम लोग उन्हें इस सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हम उन्हें इस सुविधा का पूरा लाभ प्रदान करने का आश्वासन भी देते हैं। इस अवसर पर मैं आह्वान करूंगा, प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का बेहतर कार्य हुआ है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यद्यपि 2022 तक का वर्ष समय हमारे पास है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए इससे पहले ही जो भी ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों के पास अभी भी सिर ढकने के लिए छत नहीं, ऐसे परिवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर करके प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन्हें हम आच्छादित करने का प्रयास करें। हमारा प्रयास होना चाहिए, मुझे प्रसन्नता है कि विगत वर्ष जब प्रधानमंत्री आवास योजना प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लागू किया और उस समय हम लोगों ने आह्वान किया था
कि जिन परिवारों के पास पहले से आवास है या जो इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं वे स्वतः अपने आवास को सिलेंडर करें। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 86,000 ऐसे परिवारों ने अपने आवास शासन को वापस किए और स्वेच्छा के साथ उन्होंने इस बात को कहा कि हमारे पास आवास हमें पहले से मिल चुका था या पहले से हमारे पास आवास है, इस आवास को किसी अन्य गरीब को दे दिया जाए। यह स्वतः स्फूर्त भाव आयुष्मान भारत के अंदर भी हम सब के अंदर दिखना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को केवल शासन के फंड पर ही निर्भर रहकर के पूरा करने की बजाय अगर जन सहभागिता हम इसके साथ जोड़ सकें, प्रत्येक परिवार जिसके पास संसाधन है, जिनके पास आमदनी है, वे योगदान देकर के इस दिशा में अच्छा कार्य कर सकते हैं। हम लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन भागीदारी के माध्यम से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ ये भाव पैदा हुआ है। इस दौरान प्रदेश ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में, प्रधानमंत्री जनधन योजना में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना, स्टार्टअप योजना और तमाम अन्य योजनाओं में बहुत अच्छा कार्य किया है। प्रदेश के अंदर प्रदेश के स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 को हम लोगों ने प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को भी ब्रांडिंग करने की एक अभिनव योजना को प्रारंभ किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि इसका पहला समिट अभी 10 अगस्त को राजधानी में ही संपन्न हुआ है। पहले ही समिट में इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। हम जिससे प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को एक ब्रांडिंग करने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने और उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की एक बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पहले ही समिट में 4,095 ऐसे लाभार्थियों को 1,006 करोड़ रुपए की आसान किस्तों पर लोन की सुविधा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने में हम लोग सफल रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस योजना के अंदर प्रदेश के अंदर आगामी 5 वर्ष के अंदर 25 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। एक बड़ी संख्या प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन के लिए, चाहे वह औद्योगिक निवेश के माध्यम से हो, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना के माध्यम से हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने का हो, वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो या फिर अन्य विभिन्न माध्यमों के साथ इन भर्तियों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का हो। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश की सुरक्षा के लिए योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी के उन जवानों का, जिन्होंने प्रदेश के अंदर बेहतर प्रदर्शन करके सुरक्षा का एक वातावरण पैदा किया है, उन बहादुर जवानों को जो इस अवसर पर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण प्रदान करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन वह अपनी सेवा को देते हुए शहीद हुए हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं। और साथ ही साथ इस बात के लिए जिन जवानों ने सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण प्रदेश के अंदर पैदा करके प्रदेश को उसकी परंपरागत छवि से उभारने में अपना योगदान दिया है, उन सब की इस अवसर पर सराहना करता हूं। और उन बहादुर जवानों के हर संभव सहयोग और उनके सम्मान के लिए प्रदेश सरकार सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी, इस बात का आश्वासन भी मैं इस अवसर पर अपने उन बहादुर जवानों को देता हूं। इस दौरान आपदा के दौरान भी प्रदेश के अंदर हमारे जवानों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, चाहे वह एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, पीएसी की फ्लड यूनिट हो या फिर तमाम स्वयंसेवी संगठनों ने विगत वर्ष भी बाढ़ की विभीषिका रही हो या फिर प्रदेश के अंदर समय समय पर आए हुए चक्रवाती तूफानों के कारण या अन्य आपदाओं में राहत कार्यों के माध्यम से बेहतर सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करने का रहा हो, एक बेहतरीन प्रयास इस दिशा में प्रारंभ हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः
इस देश की स्वाधीनता के लिए योगदान देने वाले अपने उन सभी अमर सेनानियों को, इस देश की सुरक्षा पर अपना योगदान देने वाले उन सभी जवानों को जो शहीद हुए हैं, उन्हें नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की सुरक्षा में अपना पूरा जीवन लगाया है। ऐसे सभी बहादुर जवानों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए एक बार पुनः देश के 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया के संकल्प के साथ हम सब जुड़े। इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः देश के 72वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। हम सब उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध प्रदेश के रूप में स्थापित कर सके, इस बात का आह्वान करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।